सबके दिमाग में बस एक ही टेंशन है कि जो आपका धनी कैश है उसको आप जनरल कैश में कैसे ट्रांसफर करें, या जो धनी कैश है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में या पेटीएम में कैसे ट्रांसफर करें। एक बहुत बड़ा सवाल है और सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि हम धनी कैश को यूज कैसे करें, जो भी धनी कैश है उसको कैसे हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो हम जनरल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो भी 100%। मगर आप जब भी यूट्यूब पे ये सर्च करते हैं कि आप धनी कैश को कैसे यूज करें या धनी कैश को कैसे इस्तेमाल करें, तो आपके सामने बहुत सारा ऐसा वीडियो आता हुआ कि उसमें यही शो करता है कि आप धनी कैश को जनरल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, धनी कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर आज तो कोई ऐसा वीडियो में नहीं बताया कि आप अपना जो धनी कैश है वो कैसे जनरल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि आप कैसे धनी कैश को यूज कर सकते हैं। मैं हूँ प्रसन्न, मैं चैनल उन्नी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं फाइनली आपको बोलता हूँ, जो भी धनी कैश से वो जनरल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं हो सकता है या कन्वर्ट नहीं हो सकता है, या आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। धनी ने जो अपने जो धनी कैश यूज करने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन रखा है, मैं आपको आगे जाके वो टर्म एंड कंडीशन बताने वाला हूँ। मगर पहले ही बोलता हूँ, अगर आपने धनी में एक अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आप एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो वो वीडियो में मैं बताया हूँ कैसे धनी में एक अकाउंट बनाते हैं। नहीं तो अगर आपके पास धनी में अकाउंट है और आप एक और अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि धनी में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है अकाउंट बनाने के लिए, और आप एक डॉक्यूमेंट में एक अकाउंट बना चुके हैं तो और एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, बिना डॉक्यूमेंट में एक धनी में अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि बिना डॉक्यूमेंट में कैसे धनी है अपने लॉगिन करना है, तो आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो को लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैं बताया हूँ कैसे बिना डॉक्यूमेंट में एक धनी आपने लॉगिन करना है। अभी हम बात करते हैं धनी कैश के लिए। धनी कैश को आप जो भी वीडियो जो भी यूट्यूब पे आपको यही लिखा मिलता होगा कि धनी कैश को जनरल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर फाइनली वो ऐसा नहीं होता है। धनी ने अपना धनी कैश को यूज करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा है, उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में आज बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी बताता हूँ कि धनी कैश को यूज कैसे करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन धनी का है। चलते मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे जाकर मैं आपको बताता हूँ धनी ऐप में धनी कैश को कैसे यूज करना। मैं अपना धनी का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर चुका हूँ, अभी चलता हूँ मनी में। यहाँ पे अभी मैं बताऊँ कि अभी मनी पे आ चुका हूँ, तो वॉलेट में चलते हैं। वॉलेट चलने के बाद अभी आपको दो तरह का कैश दिखेगा, एक है जो धनी कैश, एक है जनरल बैलेंस। अभी देखिए आगे, अभी जो जनरल बैलेंस है 70 रुपये और धनी कैश है 53 रुपीज़। यहाँ पर धनी कैश में लॉक का सिंबल इसलिए कि वो आपको आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, और जनरल बैलेंस जो 70 रुपये चाहे आप उस आपको कोई भी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मोबाइल चेज कर सकते हैं। अभी दरअसल अभी ये सवाल है कि आप जो धनी कैश है उसको आप यूज कैसे करें। जब भी आप गेम से अर्निंग करते हैं या कहीं रेफर से अर्निंग करते हैं तो धनी कैश बहुत ज़्यादा आता है, तो अभी धनी कैश का यूज़ कैसे करना है तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, धनी कैश को आप यूज़ कैसे करें। अभी पूरा आ गया है कि सर टर्म एंड कंडीशन क्या है धनी ऐप का, जो भी धनी कैश यूज करने के लिए। यहाँ पे लिखा है पेमेंट फॉर ईएमआई, यूज धनी कैश टू गेट 10% कैश बैक ऑन ईएमआई एवरी मंथ। अगर आपका धनी से आप लोन लिए, आपको ये पता है कि धनी लोन देता है लोगों को, अगर आप धनी से लोन लिए हैं तो जो भी मंथली आपको ईएमआई चार्जेस है उसका 10% आप धनी कैश यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपका 1000 का ईएमआई है तो आप 100 रुपये धनी कैश यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी धनी डॉक्टर, अगर आप रिन्यूअल ऑफ धनी डॉक्टर सब्सक्राइबर, अगर आप ये भी पता है कि धनी आप डॉक्टरों से मीट कराता है, आपको पहले उनका धनी आप में डॉक्टरों को बुक करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको 20% तक कैशबैक मिलेगा। और उसके बाद जो रेनुअल सुपर सेवर कार्ड है, आपको पता है कि सुपर सेवर कार्ड अभी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। पहले जो सुपर सेवर कार्ड का जो अमाउंट पड़ता था 125 रुपये, अभी फ्री है। मगर जो भी मंथली उसका जो चार्जेस है, उस चार्जेस का 10% आप धनी कैश यूज कर सकते हैं। उसका जो धनी स्टॉक्स अकाउंट है, अगर आप स्टॉक एक धनी में स्टॉक अकाउंट है आपका, जो स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर स्टॉक अकाउंट है और आपको जो भी आप उसको स्टॉक अकाउंट में रिन्यूअल करेंगे मंथली रिन्यूअल में 20% तक क्या यूज कर सकते हैं। और अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर आपको इंश्योरेंस है धनी ऐप पे, तो उसमें 20% तक यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यह भी लिखा है कि यूज यू रियल कैश डेली फॉर एनी पेमेंट, यूज 100% योर रियल कैश अर्निंग फॉर योर एनी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि आप
रियल कैश को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मगर धनी कैश को यूज करने के लिए इतना कुछ ट्रॉमन कंडीशन है, तो आप ये समझ लीजिए धनी कैश को यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, या आपके दिमाग में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, या आप जो भी बहुत सारे वीडियो ढूंढते आ रहे हैं कि धनी कैश को कैसे जनरल बैलेंस में ट्रांसफर करें, और भी आपका डाउट क्लियर होता होगा। जो भी लोग या जो भी यूट्यूबर वो वीडियो बनाते हैं, बस अपना व्यू लाने के लिए आपके सामने वो थंबनेल लिख देते हैं कि धनी कैश को जनरल बैलेंस में ट्रांसफर करने के लिए, मगर ऐसा नहीं होता है। आप ही आपका धनी आप है उसको ओपन करके देख सकते हैं कि धनी कैश को क्या क्या यूज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास है और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। ऐसे ही मैं मेरे चैनल पे ऑनलाइन रिलेटेड है ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात लेके और कुछ नया टॉपिक लेके।